दोस्तों आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर IDBI बैंक के बारे में। इस कंपनी के आज Q2 के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं एंड दो धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ चुके हैं, तो सभी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों इस कंपनी में एक भी शेयर खरीद कर बैठे हो या खरीदना चाहते हैं, ओनली 44 रुपीज़ के करीब शेयर है एंड पोटेंशियल तो ऐसा भयंकर इसमें इम्प्रूवमेंट का नज़र आ रहा है। तो क्या हो रहे हैं इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो यहाँ पर कंपनी पर इम्पैक्ट कर सकते हैं एंड रिजल्ट कितने पावरफुल आ चुके सभी देखेंगे। बहुत कुछ यहाँ पर कंपनी में कमाई वाला यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई देता है, तो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तो कंपनी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कोई डिविडेंड वगैरह है क्या? तो दोस्तों डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट पहले देखना पड़ेंगे, बाद में जो न्यूज़ वगैरह है मैं आपको कवर कर कर बता देता हूँ। ये सभी फिगर्स इन करोड़ों में है। IDBI बैंक बैंकिंग सेक्टर में आपको ज़बरदस्त तरीके से वेटेज रखने वाली बैंक नज़र आएगी एंड इसका जो रेवेन्यू है, जो इनकम जो हम कहेंगे जनरेट करती है कंपनी, जो कमाई हो रही है वो इंटरेस्ट एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटरेस्ट फंड्स एंड अदर इनकम ऑल्सो, ये सब कुछ यहाँ पर मिलाकर कंपनी का इनकम बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कंपनी ने यहाँ पर कमाई की है। तो ये फिगर्स थोड़े बदलते रहेंगे, अभी बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट कि कंपनी ने कमाया कितना नेट प्रॉफिट पूरे एक्टिविटीज से। तो डायरेक्टली मैं आपको इस कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखा देता हूँ सभी डिडक्ट होने के बाद। यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आफ्टर द टैक्स एंड ये देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये वाला हम देखेंगे पहले। तो देखिए सबसे अच्छी बात कैसी है रिजल्ट में, कंपनी ने पिछले साल सितंबर महीना 2021 का 567 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, वो बढ़कर 828 यहाँ पर करोड़ हो चुके हैं। आप डिफरेंट देखिए, नॉर्मली ये 500 और इधर 800, इस पे से अंदाजा आएगा कंपनी कितने करोड़ों का धमाका कर रही है। बैंकिंग सेक्टर जबरदस्त परफॉर्मेंस में इस बार है और रिसेशन रहने दो या कोई भी चीज़, ये ट्रांजैक्शन ये लोग पैसा यहाँ पर यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट के बारे में कमाई होती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, आप सभी जानते हैं। और ये देखिए थोड़ा इसके अभी क्वार्टरली रिजल्ट जून महीने के 2000 यहाँ पर जो 22 के रिजल्ट है उसमें 756 करोड़ का जो इसने नेट प्रॉफिट कमाया था वो बढ़कर 828 करोड़ हो चुका है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस कंपनी ने प्रेजेंट किए IDBI बैंक ने। एंड मैं आपको इसके NPA की बात बता दूँ, NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो इसके अंदर भी इस कंपनी ने काफ़ी बड़ी गिरावट की है, बोल तो जो यहाँ पर नंबर है उसमें यहाँ पर कमी आई है और आना चाहिए, ये सबसे अच्छी बात है। आप बोलेंगे सर NPA घट रहे तो कोई नुकसान तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए पिछले साल सितंबर 2022 में 34,407 जो करोड़ का यहाँ पर कंपनी पर NPA बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट थे, बोल तो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा उनको पूरा अनाउंस करना पड़ता है कि हाँ इसे उम्मीद नहीं रखकर चलेंगे, आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो नहीं ऐसा। तो ये देखिए इस बार कितने हैं, 28,722 NPA घट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली सेम 33,908 जो यहाँ पर करोड़ में NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट थे यहाँ पर, ये Q1 के और ये Q2 के अभी के, तो ये देखिए 28,722 करोड़। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट आए हैं आउटस्टैंडिंग वाले और बहुत अच्छा रिटर्न इसमें अभी बनते हुए नज़र आएगा। ये रिजल्ट जो हमने देखे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने प्रेजेंट किए, स्टैंड अलोन रिजल्ट है। और मैं आपको कंसोलिडेट भी रिजल्ट दिखा दूँ इस कंपनी के, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर भी कंपनी धमाके ही मचा रही है और आप ये देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये कंसोलिडेट रिजल्ट है, इसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसके अंदर भी सभी जो नंबर्स है बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ पर भी कंपनी प्रॉफिट में है, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट में है और कंपनी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है। ये रिजल्ट को हमने देखा है, अभी बात करेंगे न्यूज़ के बारे में।
यहाँ पर दोस्तों जो न्यूज़ है वो देखने से पहले थोड़ा मैं आपको ये परसेंटेज में कितना इम्प्रूव हुआ है प्रॉफिट वो बताता हूँ। IDBI बैंक अर्न 46% रेज इन क्वार्टर टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द 828 करोड़, असेट क्वालिटी इम्प्रूव। यानी कि इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके, आप देखिए परसेंटेज कितना है, 46, अनबिलीवेबल रिजल्ट। छोटा स्टॉक बड़े धमाके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जो न्यूज़ वगैरह है उस पर आएंगे। जो भी आपका टाइम है मैं कभी भी वेस्ट नहीं करूँगा, जो जो आपके लिए काम का है वो बताना मेरा काम भी है और ये चैनल आपके लिए है दोस्तों। देखिए IDBI बैंक फेस्टिव ऑफर, अभी जो फेस्टिवल है उसलिए ऑफर देखिए, ऑन द फिक्स डिपॉजिट अर्न अप टू 6.9% इंटरेस्ट रेट ऑन दिस FD रिटर्न पर। अभी देखिए जो भी लोग FD करेंगे उनको यहाँ पर 6.9% का रिटर्न मिलेगा। यानी कि आप 1,00,000 रुपए रखेंगे एक साल के लिए, 6,900 रुपए मिल जाएंगे, और जितना 1 करोड़ रखेंगे तो 6,90,000 मिलेंगे, ऐसा इंटरेस्ट रेट है। बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़बरदस्त इसने यहाँ पर अनाउंसमेंट किए कंपनी ने, क्योंकि देखिए ये एक्टिविटी होना ज़रूरी है। आप बोलेंगे सर किस लिए, क्योंकि देखिए डिपॉजिट बढ़ेंगे तो इनको यहाँ पर रेपो रेट बढ़ने से कम होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा और अच्छे से बेनिफिट लेंगे। अभी और एक जो लेटेस्ट न्यूज़ है आज की है 21 अक्टूबर, और ये 3 बजे के करीब न्यूज़ आई है। गवर्नमेंट सेड टू से 7.7 बिलियन वैल्यूएशन फॉर द IDBI बैंक स्टेक सेल रिपोर्ट। यानी कि गवर्नमेंट अच्छे खासे बेनिफिट उठाने के पीछे है और आपको बता दो महंगे वैल्यूएशन पर बेचने के लिए तैयार है। अभी ये पढ़ भी सकते हैं आप, चाहे तो हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए। इस बैंक को महंगे भाव पर बेचना चाहती है सरकार, LIC का भी है बड़ा दाव। तो ये बात आप समझ रहे क्या हो रहा है, और ये पूरा वो वैल्यूएशन के बारे में पूरी बात चल रही है मार्केट में, और ये रिपोर्ट से आई हुई न्यूज़ है, ऐसा नहीं ऑफिशियल बताया गवर्नमेंट ने। ये हो गए 2 न्यूज़। यानी कि समझिए कि कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है। और अभी बात करें स्टॉक प्राइस की तो 44 रुपीज़ पर ओनली मिल रहा है, और इसमें अभी बहुत चांसेस है पैसे बनने के। मैं तो कहता हूँ कि अभी ये स्टॉक आपको कम से कम 60-70 रुपए के रेंज में देखने को मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। थोड़ा आप यहाँ पर नज़र रखिए स्टॉक पर, हो सके उतना आपको इसमें कमाई होते हुए नज़र आ जाएगी। थैंक यू।